वो साल था 2004 का, जब सहारा वाले सुब्रत राय के बेटे की शादी को लेकर पूरे देश भर में धूम मची हुई थी। इतनी सारी बड़ी हस्तियां एक जगह एक साथ शायद ही दिखती है। क्रिकेटर से लेकर फिल्म स्टार, बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े व्यापारी सब लखनऊ में जमा थे। मौका था भारत के करोड़पति व्यवसायी सुब्रत राय के बेटे की शादी का। सप्ताह भर के अंदर ही सुब्रत राय के दो बेटों की शादी हुई, जिसके जश्न की शुरुआत उस सप्ताह के मंगलवार से ही हो गई थी। सुब्रत राय के बेटे की इस शाही शादी में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बिग बी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, सौरभ गांगुली, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर सहित लगभग 11,000 लोग मेहमानों की सूची में शामिल थे। भारत के एक प्रतिष्ठित अखबार ने शादी का ब्यौरा देते हुए लिखा था कि इंतजाम इस तरह के थे कि कोई महाराजा भी शर्मा जाए। उस समय भी शादी के कार्ड में मैग्नेट चिप लगे हुए थे ताकि बिन बुलाए मेहमान अंदर ना घुस सके। गेट पर लगे स्कैनर के सामने कार्ड लगाने पर ही दरवाजा खुलता था। इस शादी में ऐश्वर्या राय भी सपरिवार लखनऊ पहुंची थी। भीड़ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि अति विशिष्ट अतिथियों के लिए कोई समस्या ना हो। इस शाही शादी को लेकर लखनऊ के सभी बड़े होटल बुक थे। इनमें राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों तथा अन्य बड़े सितारों को ठहराया जा रहा था। इतना ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग शहरों से मेहमानों को लाने के लिए सहारा के 27 विशेष विमानों को लगाया गया था। लगभग 50 माहिर शेफ खाना बनाने के काम में लगाए गए थे, जो भारतीय, चाइनीज, इटालियन और मैक्सिकन व्यंजन बना रहे थे। मेहमानों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए लंदन की संगीत मंडली और बॉलीवुड के शीर्ष नृत्य निदेशक की टोली भी मंगाई गई थी। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन एमटीवी के कई मशहूर डीजे किए थे और पंडाल की साज सज्जा की जिम्मेदारी भी बॉलीवुड के एक नामी आर्ट डायरेक्टर को दी गई थी। जाने माने फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को इस शाही शादी की शूटिंग करने का जिम्मा सौंपा गया था। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री का काम 3-4 दिनों के लिए ठप हो गया था क्योंकि ज्यादातर सितारे उन दिनों लखनऊ में थे। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि शादी के मौके पर सहारा समूह ने 101 और शादियां कराने की घोषणा की थी और देश में लगभग 14 लाख गरीब लोगों को खाना खिलाने की बात कही थी। सहारा समूह के मालिक सुब्रत राय की सफलता की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं। 1978 में सिर्फ 3 लोगों के साथ मिलकर चिटफंड का कारोबार शुरू करने वाले सुब्रत राय तब लगभग 7 अरब डॉलर की कंपनी के मालिक थे। आपको बता दें कि उस समय सुब्रत राय का हाउसिंग, बैंकिंग, विमान, मनोरंजन और मीडिया समेत कई क्षेत्रों में दबदबा था। वहीं आज सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत राय इन दिनों मुश्किलों में घिरे हुए हैं। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं पहुंचने के कारण कोर्ट ने सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। लाइव सीरीज के लिए राजकमल की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।